आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य बरघाट विधानसभा मुख्यालय में भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, जबरदस्त भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। दरअसल बरघाट में बीते दिनों आदिवासी युवक के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया है कुछ रसूखदारों के द्वारा, उसके बाद आदिवासी समुदाय में रोष असंतोष उबलता हुआ दिखाई दे रहा था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला वैसे तो अमूमन शांति का टापू कहा जाता है, पर यहाँ जिस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं उसके बाद आदिवासी समुदाय में बहुत जबरदस्त रोष और असंतोष उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुरई विकास खंड में इसके पहले जिस तरीके से आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ अनैतिक व्यवहार किया गया है, उनके साथ जिस तरीके का जोर जबरदस्ती की गई है वो किसी से छिपी नहीं है। इसके पहले भी कुरई सिवनी और नागपुर के बीच में NH 44 पर उत्तर दक्षिण फोर लेन गलियारे पर स्थित कुरई में तत्कालीन कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के द्वारा सड़क पर चक्का जाम किया गया था। उस समय भी आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ जिस तरह से उस वक्त बर्ताव किया गया था और आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों को काफ़ी लोगों के द्वारा पकड़ के उनके साथ मारपीट भी की गई थी, उसमें आदिवासी दो आदिवासियों का निधन भी हो गया था, उसके बाद आदिवासियों के बीच रोष और असंतोष दिखाई दे रहा था। फिलहाल मामला बरघाट विधानसभा मुख्यालय का है, तहसील मुख्यालय बरघाट का है। यहाँ एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने का बहुत जिस तरह पुलिस में थर्ड डिग्री दी जाती है उस तरह थर्ड डिग्री दिए जाने का एक वीडियो प्रकाश में आया था, और एक नहीं तीन चार वीडियो इस तरीके के प्रकाश में आए थे जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से जो वीडियोस चल रहे थे, और उसके बाद आदिवासी समुदाय के द्वारा स्थानीय नेताओं के द्वारा पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई और एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, बाकी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। ये मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर आया वैसे ही इस मामले में बहुत सारे गुट सक्रिय हो गए। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक पदाधिकारी से भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। हम आपको बता दें सिवनी से बरघाट, जिला मुख्यालय सिवनी से बरघाट की दूरी महज 22 किलोमीटर है, और 22 किलोमीटर दूर इस तरीके की घटना घटी दिसंबर माह का वो वीडियो बताया जा रहा है, और फरवरी माह में जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर उजागर हुआ तब उस आरोपी की उसके बाद ही गिरफ्तारी हो पाई। सड़कों पर उतरे आदिवासी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सड़कों पर आदिवासियों की रैली। वैसे इस बारे में हम आपको बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ को जो जानकारियां दी गई हैं उन जानकारियों के हिसाब से पुलिस की थर्ड डिग्री जिस तरीके की होती है उस तरीके की कथित तौर पर कुछ दबंगों के द्वारा उस तरीके का व्यवहार किया गया था, और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। बरघाट में आदिवासी समाज के एक भोले भाले व्यक्ति और उनके परिवार के ऊपर की गई बर्बरता के विरोध में और जो घटना कारित की गई थी उस घटना के लिए सर्व समाज द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर इसमें वरिष्ठ समाज सेवी BS खंडाते, वरिष्ठ समाज सेवी बरघाट के अनिल मरसकोले, जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस विजय वीके, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और समाजसेवी रंजीत वासनिक, इनके अलावा जिला आदिवासी महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मीबाई कोड़पे, जनपद सदस्य राहुल उइके, समाजसेवी नरेश बड़करे, समाजसेवी संतोष पंद्रे, समाजसेवी धन सिंह धुर्वे, समाजसेवी मेहरू करबेती, समाजसेवी फूल सिंह मस्कोले,
समाज सेवी दिना परते के द्वारा सर्व समाज का आह्वान किया गया था कि मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के खिलाफ सभी लोग 22 फरवरी को होने वाले बरघाट तहसील मुख्यालय बरघाट में होने वाले इस आंदोलन में सहयोग करने की उनके द्वारा अपील की गई थी। सर्व समाज के द्वारा ये अपील की गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बरघाट का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बरघाट में भीड़ जमा है, शांतिपूर्वक पूरा विरोध यहाँ इन लोगों के द्वारा दर्ज कराया जा रहा है। पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से सर्व समाज के तत्वाधान में बरघाट में ये सारे लोग एकत्र हुए हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और जो जानकारियाँ दी गई हैं उस जानकारी के हिसाब से बरघाट में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक पदाधिकारी के परिवार का ये के द्वारा ये कृत्य किया गया है जो बताया जा रहा है। इसलिए आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। वैसे बरघाट से बरघाट के वर्तमान विधायक पूर्व विधायक कांग्रेस के अर्जुन सिंह काकोड़िया है, तो वर्तमान विधायक बरघाट से कमल मस्कोर है जो पूर्व में 10 साल तक 5-5 साल दो बार का कार्यकाल रहा है। 10 साल तक वे विधायक थे बरघाट विधानसभा क्षेत्र के और उसके बाद अर्जुन सिंह काकोड़िया 5 साल रहे और इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कमल मस्कोले ने वहां परचम लहराया है। कमल मस्कोले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और आदिवासी समाज यहां पर एकत्र नज़र आ रहा है। कांग्रेस इस मामले में क्या कदम उठाती है इस अभी तक इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। कांग्रेस के द्वारा कोई इस मामले को विज्ञप्ति भी शायद नहीं जारी की गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इस मामले को किस नज़रिए से ले रहे हैं ये तो वे ही जाने, पर चूंकि ये मामला सीधे सीधे आदिवासी समुदाय के एक भोले भाले युवक के साथ ज्यादती का है इसलिए इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र में पड़ने की उम्मीद भी लोगों के द्वारा जताई जा रही है। ये हम आपको यहाँ एक बात और बता दें कि ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है वो जो आदिवासी युवक है वो आरोपियों के यहाँ दुकान काम करता था और उसके द्वारा कुछ चोरी की गई थी, पैसे की चोरी की गई थी, जिसके चलते आरोपियों के द्वारा जगह पर ही अदालत लगाकर उसे दंडित किया गया, जो वास्तव में दुखद माना जा सकता है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में विजन 2020 के बाद 2024 का ये आलम है सिवनी जिले में और इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा स्वसंज्ञान से इस मामले में कार्रवाई की गई है, जिस कार्रवाई को लोग लेकर आदिवासी समाज में पुलिस अधीक्षक की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास एक बार फिर जागता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्व समाज के तत्वावधान में बृहस्पतिवार 22 फरवरी 2024 को यहाँ पर आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहते यहाँ पर नजर आ रहे हैं नेता। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ के नेतागण। सर्वप्रथम आज इस आत्मसम्मान की लड़ाई में यहाँ उपस्थित संपूर्ण जनता जनार्दन मात्र शक्तियों का, हमारे नौजवान साथियों का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ इस पूरे हमारी लड़ाई में जब से ये मामला संज्ञान में आया है पूरा प्रशासनिक अमला इस मामले में कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहा है, इसलिए पूरे प्रशासनिक अमले को भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में बरघाट नगर के सभी व्यापारी बंधु जिन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पर निवेदन पर
हम शांति प्रिय लोग हैं, जाना सामने जाना, हम अपनी बात को कहेंगे, उसमें प्रशासन अगर शासन हमारा सहयोग करेगा तो हम शांति पूर्ण अपनी बात को कहकर अपने आंदोलन को समाप्त कर देंगे। जब जब सहनशीलता की सीमा खत्म होती है तो वहां क्या होता है, क्रांति का उदय होता है। तो आप सम्मानी हमारे यहाँ प्रशासनिक अमले से कहना चाहता हूँ कि हम ऐसी क्रांति नहीं करना चाहते। हमको क्या चाहिए, हमको जो हमारे माता पिता और ये भाई लोग जो है, ये संतोष भाई, संतोष कागोडिया जी, वो बहन जो जिनके साथ में ज्यादती हुई है, उस ज्यादती के एवज में पूरे प्रशासनिक अमले ने हमारी इच्छा से कहीं ज्यादा उन पर धाराएं लाकर लगा दी। तो जायज थी और वही हमारी मांग भी थी, लेकिन सबसे बड़ी मांग ये है कि जब एक ऐसा अपराधी कृतित्व का व्यक्ति जब हमारे समाज के आदमियों पर पेशाब करता है, उसकी बिल्डिंग तोड़ दी जाती है। मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे हमारे भाइयों के साथ में, सारे समाज के साथ में जब भी घटनाएं होती है तो बुलडोजर से इनके बिल्डिंगों को तोड़ा जाता है। तो बरघाट की कोठी में और संतोष कागोडिया के साथ में और उस बहन के साथ में जागती हुई है। इसलिए ये जो सामंतवादी लोग हैं, मैं प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि हमारी मांग वहाँ खत्म हो जाएगी जिस दिन इनके जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग को शासकीय जमीन में बनाकर बैठे हैं। अरे होटल में हमारे लोगों से चलती है, किराना भी हमारे लोगों से चलता है, कपड़ा दुकान भी हमारे लोगों से चलता है, आग उठाने में भी हमारे लोगों को देखते हैं। इसलिए हमारा कहना है प्रशासन के लोगों से, हम यही आंदोलन आज खत्म कर देंगे, यही हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा शांति से। लेकिन हमको क्या चाहिए, जो अवैध तरीके से शासकीय जमीन में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के ये लोग रहते हैं और हमको आग दिखाने का काम करते हैं। तो मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, ये जो कृत्य करने वाला आदमी कहता है कि मैं भाजपा का हूँ, भाजपा की भारतीय जनता पार्टी ने इसको निष्कासित किया, ये कोई भाजपा का आदमी नहीं है। लेकिन इसकी जो हिम्मत हुई है, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि तत्काल इनके शासकीय जमीन पर जो बिल्डिंग बनाए जाए, व्यापार करते हैं ऐसे कुकृत्य करने वालों की बिल्डिंग को शीघ्र बुलडोजर से तोड़ना चाहिए। अधिकारी साथियों, अभी हम ज्ञापन देंगे, हमारी अंतिम मांग यही है कि ऐसे कुकृत्य करने वालों को सबक मिले ताकि आगामी समय पे कोई इस तरह के कृत्य ना कर सके। आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, और भी लोग हैं, हमारे पास समय भी कम है, हमें ज्ञापन भी देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम प्रतिनिधि मंडल के साथी। Yeah, keep that nice.
माफिया की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भू माफिया की तानाशाही। माया परिवार मुर्दाबाद, माया परिवार माया परिवार माया परिवार की अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं तहसील में। माया परिवार माया परिवार नर का दीकर में तोड़म ताड़ मचान लग रहा क्या करे मार दिए थे बुरे वो निशान वो वहां पर निशान आ गया प्रशासन से निवेदन है, सब निवेदन है कि वह जल्द से जल्द बुलडोजर चलाए। जो देश में शिवाज मामा सरकार में जो नियम बना है देखी बलावी जी हैं, बलावी जी वही तो है। तो देखो पता चलेगा आते समय। अच्छी भीड़ है, नहीं भीड़ तो है, आते समय पता चलेगा। लौटेंगे भी अभी विज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। नहीं नहीं विज्ञापन सौंपने वही। तो ये था पूरा मामला, यहाँ देख सकते हैं आदिवासी समुदाय रैली के साथ यहाँ से गुजरता हुआ दिख रहा होगा। ज्ञापन सौंपकर उनके द्वारा इस पूरा धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए बरघाट से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइए कि आपको ये सारी खबरें किस तरह की लग रही हैं। एक बार फिर हम नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।